हरियाणा बोर्ड क्लास 10वीं 12वीं पेपर चेकिंग में बड़ा गोलमाल। अब ये गोलमाल वर्ड यहाँ पर यूज़ करना सही है या फिर गलत है, ये तो आप लोग खुद जानेंगे, खुद बताएंगे। मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। गाइज, हरियाणा बोर्ड के, अभी आपको पता है 10वीं 12वीं के पेपर संपन्न हुए हैं, उसके बाद आपकी पेपर्स की चेकिंग जो है वो स्टार्ट की गई है, लेकिन उसको स्टार्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी लाइव कि कैसे पेपर चेक हो रहे हैं, लेकिन उसी बीच अभी जो है मई के अंदर 3 या 4 मई को जो है ये खबर आई है कि आपके जो पेपर्स हैं रोहतक जो है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर एक स्कूल बताया जा रहा है, उसके अंदर जो है पेपर जो है टीचर्स घर पर लेके जा रहे थे, वहाँ पर चेक कर रहे थे, ये एक बड़ा गोलमाल वहाँ पर किया जा रहा था। यानी कि क्या है पूरी खबर, उसके लिए जो है आप लोग एक वीडियो भी देख सकते हो जो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन हम इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आप लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर घर पर ले जाए गए वो आप में से किसी के हो सकते हैं, या फिर हैं तो भाई आप में से ही किसी के, ठीक है। यानी कि पूरे हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो गाइज, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के जो नियम है वो ये कहते हैं कि पेपर चेकिंग जो है सेंटर्स पे ही होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है, लेकिन कुछ टीचर्स जो है चोरी छुपे कुछ पेपर्स घर पे लेके गए, वहाँ पर जो है उन्होंने उन पेपर्स को चेक किया, ठीक है। उसके बाद जो है हरियाणा बोर्ड चेयरमैन को ये खबर मिली कि ऐसा कुछ चल रहा है, उसके बाद वो पहुँचे और यहाँ पर जो है जो भी टीचर्स इसके अंदर संलिप्त थे उन सभी को पकड़ लिया गया। तो गाइस, कहने का मतलब क्या है, अब आपको ये सिर्फ कॉमन सी न्यूज़ लग रही होगी, सिंपल सी, कि क्या हो गया, पेपर घर पे ही तो चेक कर रहे थे, पेपर तो चेक ही करने हैं। लेकिन पहली बात तो ये, बोर्ड चेयरमैन ने खुद कहा है, आप लोग वो वीडियो सुन सकते हो, कि ये इलीगल है, क्योंकि बोर्ड के निर्देश हैं कि आपको पेपर चेकिंग सेंटर्स के ऊपर ही करनी है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि ये क्यों गलत हो सकता है। अब देखो, घर पर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, घर पर आपका खुद का एनवायरमेंट है, यानी कि जैसे हम एक तो स्कूल जाते हैं, आप लोग खुद के ऊपर लेना अपने ऊपर ये एग्जांपल, एक तो आप लोग स्कूल में रहते हो, एक आप घर में रहते हो। अब देखो, मैं थोड़ा ऐसा ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हंसना मत समझना, घर पे आप ऐसे ही पड़े रहते हो, ठीक है, लोअर टी शर्ट ऐसे ही, कोई तो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन स्कूल में तो ड्रेस पहन के ही जाते हो या फिर नंगे ही चले जाते हो। तो यानी कि घर का माहौल और एक यहाँ पर जो स्पेसिफिक एनवायरमेंट होता है उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो ऐसा ही, एक तो सेंटर पे चेक की जाए, एक घर पे चेक कर रहे हैं। घर पे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे हम सभी टीचर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे जो कुछ टीचर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। घर पे मान लीजिए पेपर चेकिंग हो रही है, बीच में ही कोई और काम आ जाता है, वहीं पर छोड़ के उस पेपर को चले गए, अब जिसका भी पेपर है उस बच्चे की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आगे अगर वो पेपर चेक नहीं हुआ तो। या फिर घर पर बच्चे भी होते हैं, किसी ने पेपर को फाड़ दिया तो, ऐसा कुछ सेंटर पे तो नहीं हो सकता, सेंटर पे तो बच्चे नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है, इससे जो है स्टूडेंट्स का ही लॉस हो सकता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों की जो है आवाज़ उठाई जाए, स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई जाए कि ये बिल्कुल गलत है, और आपको भी कमेंट करके बताना है कि ये सही है या गलत है। मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और गलत था तभी जो है हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने जो है कार्रवाई करी है, उन टीचर्स के नाम आगे भेज दिए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो जो है उनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि हमारे जो टीचर्स हैं जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जो हमें नियम सिखाते हैं, अगर वही ऐसा काम करेंगे तो फिर हम लोग यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। अगर स्टूडेंट चिटिंग करे तो उसकी UMC बना दी जाती है, तो क्या अब जो है टीचर्स ये गलत कर रहे थे तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या बोलते हो गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे हम टीचर्स का पूरा सम्मान करते हैं, जो सही टीचर्स हैं सारे ही सही हैं, वैसे तो ये ऐसे कुछ एक ही मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज, आई होप आपको पूरी की पूरी खबर समझ में आई होगी। यहाँ पर जो पेपर्स बताए जा रहे हैं जो घर पर ले जाए गए, वो बताए जा रहे हैं फिजिक्स के पेपर्स थे कुछ, कुछ केमिस्ट्री के पेपर्स थे, कुछ सोशियोलॉजी के पेपर थे, और कुछ संस्कृत के पेपर थे, जो कि मेरे में सुनने में आया है। तो गाइज, ये 4 सब्जेक्ट के पेपर्स बताए जा रहे हैं जो कि घर पे ले जाके चेक किए जा रहे थे इलीगल तरीके से, ठीक है। उन पेपर्स को भी जो है अपने अंडर ले लिया है हरियाणा बोर्ड ने। अब आगे क्या होता है, उन पेपर्स वगैरह को चेक किया जाता है कैसे क्या, वो तो यहाँ पर जो है अब हरियाणा बोर्ड ही बताएगा। लेकिन
टीचर्स को जो है यहाँ पर कंप्लेंट देकर भेज दिया गया है। ठीक है, तो गाइज इसके ऊपर अगर आप आगे भी जो है पूरी की पूरी खबर चाहते हैं कि भाई जो भी अगर खबर आए आपको बताया जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है मैंने इसीलिए उठाया है ताकि आगे से ऐसा ना हो। टीचर्स के यहाँ पर जो है सभी के सभी टीचर्स जो है नियमों का पालन करें, स्टूडेंट्स जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको जो है सही ठीक ठाक नंबर मिले। देखिए एक स्टूडेंट जो है अपनी मेहनत से करके आता है, आप सब अपनी मेहनत से ही करके आए हैं, हाँ 1-2% जो है ऐसे वैसे करके आए उनकी अलग बात है, लेकिन सभी जो है मेहनत करके तो आए ही हैं, और फिर उनका रिजल्ट अगर कुछ एक ऐसी चीज़ों से ख़त्म हो जाता है, घट जाता है, तो फिर उन्हें कितना बुरा लगेगा आप लोग खुद सोच सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब मैं घर पे, वैसे तो मुझे बोला गया है कि भाई सेंटर पे कॉपी चेक करो, मैं घर पे लेके आया कॉपी चेक कर रहा था, एक बीच में कोई फ़ोन आ गया या फिर कुछ और काम आ गया, मैं उस कॉपी को वहीं बंद करके चला गया। अब मैं आया वापस, मैंने सोचा ये तो चेक कर ली स्टार्टिंग में देख कर, अब मैंने दूसरी कॉपी उठा ली, अब मैं उसके लग गया, अब वो कॉपी तो रह गई, तो ऐसे गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चीज़ गलत है, और इसके खिलाफ जो है हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब, मैं उनको यहाँ पर जो है सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर जो है सख्ताई दिखाई है और यहाँ पर एक्शन लिया है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आप जो है यहाँ पर समझ पाए होंगे कि क्या था पूरा मामला। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।